ध्यान से अब बताए जाने वाली हिदायतें सुने। ये आपकी ज़िंदगी में कभी परेशानी से बचा सकती हैं। यह लक्ष्मी है, खाना बना रही है अपने परिवार के लिए, और यह एक सुखी परिवार है, आपके परिवार जैसा। क्योंकि उसने ढीले कपड़े पहने हैं और वह अपने दुपट्टे से गर्म बर्तन उतार रही है, उसके नमक मिर्च और उपयोग में आने वाली चीज़ें स्टोव के ऊपर हैं, उसके कपड़ों में आग लगने का खतरा है और उससे वह जल सकती है। यह हमेशा नहीं होता, पर फिर भी इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि ऐसा हो सकता है। जब खाना बना रहे हैं तो ढीले कपड़े ना पहने और कपड़ों को एक एप्रन में बंद कर लें। नमक मिर्च और खाना बनाने में उपयोग आने वाली वस्तुएं आग के ऊपर ना रखें। हैंडल वाले बर्तनों के हैंडल को हमेशा पीछे कर दिया जाए, नहीं तो छोटे बच्चे आकर उसको गिरा देते हैं। और सनसी का उपयोग करें गरम बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारते वक्त। दौड़े नहीं, इससे आग और बढ़ जाती है। रुकिए, जो कुछ भी कर रहे हैं वह छोड़कर रुक जाइए। लेटिए, लुढ़किए, फिर पानी डालकर जले हुए भाग को ठंडा करें। यदि आप अपने आप को एक बंद कमरे में आग और धुएं में फंसा पाएं, तो अपने नाक और मुंह पर एक गीला कपड़ा रखें और नीचे की तरफ झुकते हुए, नीचे रहते हुए उस कमरे से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं। वहां आग बुझाने की कोशिश करना आपका काम नहीं है, आपको अपने आप को सुरक्षित बाहर लाना इस तरीके से अच्छा है। आग को अपने हाथ से बुझाने की कोशिश ना करें। यदि थोड़े जल गए हैं तो जले हुए भाग को नल के पानी में डाल के रखने से दर्द नहीं होता है। तब तक डाल के रखें जब तक कि पानी से निकालने पर दर्द ना हो। यदि अधिक जल गए हैं तो चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। तो फिर से कहें, रुकिए, लेटिए और लुढ़किए। जिससे कि आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहेगा।